Leaders are born, they are not made. जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी नारायण मित्तल जैसे कई लोग जिन्होंने अपने काम से साबित कर दिखाया कि अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, उन्हें ढूंढकर तराशा जाता है। और उन्हीं में एक नाम छिपा है, प्रमोद बत्रा का, जिन्होंने अपनी लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज को पहचाना और जिंदगी को कैसे मैनेज किया जाए इस बात का फलसफा सारी दुनिया के सामने रखा। जिंदगी में क्या है कि अपनी आंखें खुली रखो, देखते रहो इधर उधर, और जो आइडिया अच्छा लगे एकदम ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसे ब्लॉट कर लो, इम्प्लीमेंट करो। अपनी पहली किताब मैनेजमेंट थॉट से शुरू हुआ उनका सफर आज धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुका है। हमने एक नया ट्रेंड 5 साल पहले शुरू किया, वो था कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी लोग बहुत है, एंटरप्रेन्योर लाइक धीरू भाई अंबानी या सुनील मित्तल, तो मैंने उनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। मैंने ये नोटिस किया, जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैनेजर्स 200-300 पेज की किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे, अगर मैं उसको ब्रीफ कर सकूं, आइडिया दे सकूं, तो वो आइडिया मेरा बहुत अच्छा चला। मैं हर महीने हर साल एक मैनेजमेंट प्लानर बनाता हूं, 106 स्टोरीज होती हैं, 52 वीक में 2 स्टोरीज पर वीक, हर एक स्टोरी को मैं 400 वर्ड में 360 वर्ड में लिख के फोटो लोगों के साथ बनाकर वो लोगों को कंपनीज को सप्लाई करता हूँ, और अब हमने उसकी किताब बनानी शुरू कर दी है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आजकल मेरा पैशन। लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी नारायण मित्तल जैसे कई लोग जिन्होंने अपने काम से साबित कर दिखाया कि अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, उन्हें ढूंढकर तराशा जाता है। और उन्हीं में एक नाम छिपा है, प्रमोद बत्रा का, जिन्होंने अपनी लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज को पहचाना और जिंदगी को कैसे मैनेज किया जाए इस बात का फलसफा सारी दुनिया के सामने रखा। जिंदगी में क्या है कि अपनी आंखें खुली रखो, देखते रहो इधर उधर, और जो आइडिया अच्छा लगे एकदम ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसे ब्लॉट कर लो, इम्प्लीमेंट करो। अपनी पहली किताब मैनेजमेंट थॉट से शुरू हुआ उनका सफर आज धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुका है। हमने एक नया ट्रेंड 5 साल पहले शुरू किया, वो था कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी लोग बहुत है, एंटरप्रेन्योर लाइक धीरू भाई अंबानी या सुनील मित्तल, तो मैंने उनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। मैंने ये नोटिस किया, जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैनेजर्स 200-300 पेज की किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे, अगर मैं उसको ब्रीफ कर सकूं, आइडिया दे सकूं, तो वो आइडिया मेरा बहुत अच्छा चला। मैं हर महीने हर साल एक मैनेजमेंट प्लानर बनाता हूं, 106 स्टोरीज होती हैं, 52 वीक में 2 स्टोरीज पर वीक, हर एक स्टोरी को मैं 400 वर्ड में 360 वर्ड में लिख के फोटो लोगों के साथ बनाकर वो लोगों को कंपनीज को सप्लाई करता हूं, और अब हमने उसकी किताब बनानी शुरू कर दी है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आजकल मेरा पैशन है। पढ़ाई के दौरान ही हर इम्पोर्टेंट बात को वन लाइनर के रूप में संजोना प्रमोद बत्रा की हॉबी थी, लेकिन कब ये हॉबी उनका पैशन बन गई खुद डॉक्टर बत्रा को भी पता नहीं चला। और आज इसी पैशन की बदौलत उन्होंने सफलता के नए मकाम हासिल किए हैं। 91 जब मेरी किताब प्रिंट होके आई तो देख के बहुत खुशी हुई, और मैंने जब उसको बेचना शुरू किया
जो मेरी उम्मीद थी 1000 या 2000 की, वो अगले 10 सालों में 3 लाख बिकी और मुझे 1 करोड़ का फायदा हुआ। तो जिंदगी में मैंने ये देखा है कि कोई पता नहीं कौन सा आइडिया आपको कहां से कहां ले जाए। ये जो हुआ मेरे लिए एक चमत्कार के बराबर था, और इस किताब से मुझे क्या हुआ, लोगों को मेरी पहचान सी हो गई। मैनेजमेंट गुरु मोटिवेशनल स्पीकर प्रमोद बत्रा की जिंदगी का खास पल रहा जब वो 9th क्लास में फेल हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब मैं घर आया मेरे पिताजी मारेंगे, पीटेंगे, गुस्से होंगे, कहेंगे शर्म नहीं आती, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, बड़ा भाई फेल हो गया, छोटा भाई पास हो गया। तो मुझे डर था वो कहेंगे ले चुल्लू भर पानी ले मर, बहुत डर लगा था। पर जब मैं घर आया मेरे पिताजी ने मुझे जफ्फी मार कर बड़े प्यार से समझाया, कोई बात नहीं बेटे की फर्क पड़ता है, इस बार फेल हो गया अगले साल मेहनत करेगा। उन्होंने मुझे डांटा नहीं है, जो वर्ड उनका था की फर्क पड़ता है अगले साल पास हो जाएगा, उन्होंने मुझे समझाया कि कई बच्चे वीक होते हैं स्कूल में, कॉलेज में ठीक हो जाते हैं, और कई कॉलेज में ठीक हो जाते हैं जिंदगी में ठीक नहीं होते, कई जिंदगी में भी ठीक नहीं चलते। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि बेटे जो भी मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जिंदगी में एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनिए। और फिर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से की। अपनी हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका गए, लेकिन ये तो प्रमोद बत्रा की सिर्फ शुरुआत भर थी। बीकॉम कर ली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, किसी तरीके से अमेरिका पहुंच गया। पर विश्वास रखें, अपनी काबिलियत को पहचानें, सफलता कभी भी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। जिंदगी में एक अंग्रेजी में कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, रियल लाइफ में कोई भी मेरे विचारों में अभी तक ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुआ। हर एक को 10, 20, 30 साल लग जाते हैं, और यंग पीपल को यही मेरी एडवाइस है कि जो भी आपका धंधा है उससे प्यार करना सीखिए। जो मेरा विचार है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आमतौर पे जो लोग काम करते हैं वो उसको हेट करते हैं, अपने बॉस को हेट करते हैं, और अगर बिजनेस में है तो कस्टमर्स को हेट करते हैं। उससे आप औरों को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। अगर आप अपनी जेलसी को, एंगर को, रिवेंज को मैनेज कर सकोगे लाइफ में स्लोली स्लोली, गुस्सा ज़रूर आता है, जेलसी ज़रूर होती है, बदले की भावना ज़रूर होती है, लेकिन क्या होता है कि उसका लॉन्ग टर्म में उसका कोई लाभ नहीं होता। और अगर ये 3 नेगेटिव फीलिंग्स को लाइफ में मैनेज करो तो लाइफ, जैसे मेरे केस में मेरा तकिया कलाम है बल्ले बल्ले चढ़दी कलाज, और भगवान की कृपा से अपनी लगन से और अपने सहयोगियों से सहयोग से मेरा बहुत अच्छा सेकंड इनिंग चल रहा है। 5 साल के बाद मेरी 3rd इनिंग शुरू होगी, जब मैं 80 का होऊंगा होपफुली, तब उस वक्त मेरे विचार या मेरा धंधा जो है और किस्म का होगा। नजर बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। डॉक्टर बत्रा की जिंदगी इस बात का जीता जागता उदाहरण है।